हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो होम थिएटर रिपेयरिंग का, और इस होम थिएटर में जो प्रॉब्लम है, इसका जो बेस है, बेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई जो कि साउंड अच्छी तरीके से नहीं आ पा रही है, और इसका ऑडियो जो मैं आगे वीडियो में आपको सुना कर दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और देखिए हमारा जो है साउंड कुछ इस तरीके से आ रही है। तो आपने देखा फ्रेंड, इसका जो साउंड है बहुत ही ख़राब हो चुका है, और ये किसके कारण से होता है इस होम थिएटर में, आज इस प्रॉब्लम को इजीली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, और आपके कारण से हो सकता है, आप अपने होम थिएटर में छेड़खानी करेंगे उसके कारण से हो सकता है, या उसके कारण से कोई और भी सामान डैमेज हो सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मिस्त्री के पास लेके जाए, नॉर्मली अपना आप छेड़छाड़ ना करें अगर कुछ नहीं पता है तो, और अगर पता है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो आपका जो होम थिएटर है कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक क्लिप खोल दिया, और साउंड हमारा आना बंद हो चुका है, और जैसे क्लिप को लगाऊंगा और हमारा जो है साउंड यहाँ पे वेव जो आने लगेगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे इसको हटा दिया और साउंड हमारा जो है बंद हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है, पहले तो मैं होम थिएटर का आवाज़ सुन के ही चौंक हो गया था कि इसका प्रॉब्लम है ही क्या। तो फिर मैंने देखा कि प्रॉब्लम एक मेरे साथ पहले भी हो चुका है, और मेरे गलती से हुआ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये गलती एक कस्टमर ने भी कर चुका है। तो इस गलती का मैंने समझने के लिए आपको वीडियो को बनाया हूँ। और देखिए, यहाँ पर गलती करके इन्होंने यहाँ पर ब्लूटूथ किट को भी डैमेज कर दिया, ख़राब कर चुका है, इसी के वजह से इसका ब्लूटूथ किट भी ख़राब हो गया। तो चलिए, यहाँ पे फ्रेंड जो है बेस वाली लाइन है, बेस वाली वॉल्यूम जो है ऊपर वाले तीन वायर का, और यहाँ पे पीला और ऑरेंज और ग्रीन कलर का तार है जो कि बेस वाली वॉल्यूम के लिए, उस जगह पे यहाँ पे ऑडियो का जो इनपुट है वो वाला इनपुट जो है बेस वाली में लग गई थी, जिसके कारण से यहाँ पर जो है बेस ब्लूटूथ किट जो है हमारा ख़राब हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सभी का सभी आईसी हमारा जो है सही है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, कुछ हाथ रख के इस तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं आईसी जो आपका सही है ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो है बेस वाली आईसी ठीक है, लेकिन जो बेस का फिल्टर करती है वो आईसी में कुछ प्रॉब्लम था। बेस वाली क्लिप मैंने यहाँ पे खोज लिया हूँ, जो कि वहाँ आगे वाली पैनल से मुझे मिला, और ये जो है ऑडियो इनपुट का अलग जगह में लगेगा, तो ये कनेक्शन आपको खोजना पड़ेगा। और नॉर्मली होम थिएटर तो वहाँ पर आपका इजीली मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हाथ छूने से यहाँ पर आवाज़ आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेस वाली जो आईसी वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रही है, और ये जो हमारा है इनपुट है, ये आउटपुट स्पीकर बने इनपुट में लगेगी। तो यहाँ पर भी कुछ कनेक्शन गड़बड़ है, जिसके कारण से मुझे पता चला। और देखिए, यहाँ पे इस बोर्ड का जो लाइन है ये कहीं लगा दिया, ये आपका जो है आउटपुट स्पीकर का इस जगह में लगेगी फ्रेंड। ये बहुत ही बड़ा गलती कर चुका है कस्टमर ने, और इसके जो इनपुट का है, इनपुट वाली पिन वहाँ लगेगी, और यहाँ से आउटपुट वाले स्पीकर का जो है ये सारी वायर है, यहाँ से आउटपुट आईसी को भी यहाँ पे स्पीकर लगा के चेक कर सकते हैं फ्रेंड। आप अपना चेक कर लीजिएगा, मैंने फ़िलहाल आपको दिखा दिया आईसी पे हाथ रखने से किस तरह का आवाज़ आता है फ्रेंड। और देखिए, यहाँ पर मैंने वोल्टेज को भी चेक किया, वोल्टेज एक्यूरेट सार चीज़ हर जगह से सही है फ्रेंड, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो कि वोल्टेज ड्रॉप हो। तो यहाँ पर हर जगह पे सही से वोल्टेज और 5 वोल्ट भी मुझे मिल रही है, और हमारा जो है ब्लूटूथ किट काम नहीं कर रही है। तो एक रीज़न है, ब्लूटूथ किट हमारा जो है ख़राब हो चुका है, इसी के कारण से यहाँ पे काम नहीं कर रही है फ्रेंड। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। बेस तो आवाज़ आना बंद हो चुका है, वॉल्यूम भी ठीक हो चुका है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो चुकी है।
जो कि बेस वाली इनपुट आवाज़ जो कैच करने चाहिए मोबाइल से बजाने से, वो आवाज़ यहाँ पे कैच नहीं कर पा रही, जिससे कि आवाज़ यहाँ पे आए। मैंने तो इसलिए हाथ रख के टेस्ट किया हूँ, तो हाथ रखने से भी वॉल्यूम के पास आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इनपुट में कोई आवाज़ सेंस नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये ब्लूटूथ किट भी हमारा जो हीट हो रही है और हमारा जो है ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ब्लूटूथ वाले किट को भी इंस्टॉल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पे उल्टा कनेक्शन के कारण से यहाँ पे ख़राब हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए ब्लूटूथ वाले किट को भी चेंज करेंगे और सारा चीज़ को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड चलिए, मैंने इस पावर को खोल दिया और यहाँ से सारे कनेक्शन को सही करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम में हाथ रखते हैं तो कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है, लेकिन ये बेस वाली फिल्टर है इसी ख़राब है, जिसके कारण से नहीं हो रही है। आना तो चाहिए फ्रेंड, यहाँ बेस वाले में रख रहे हैं तो आवाज़ तो आ रही है, लेकिन फिल्टर जो है बेस वाली आईसी वो पास नहीं कर रही और हीट भी हो रही है। तो ये ले बेस वाली आईसी को यहाँ पे चेंज करके देखेंगे फ्रेंड, बेस वाली जो फिल्टर आईसी है जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड। तो एक्यूरेट आवाज़ मुझे मिल नहीं पा रही, जो कि मिलना चाहिए फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे वॉल्यूम से, बेस वाले वॉल्यूम से तो वो तो काम करेगा ही फ्रेंड, लेकिन मेन वॉल्यूम से अगर नहीं कैच करे तो आपको दिक्कत हो सकती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे इस क्लिप को नहीं फ्रेंड, यहाँ पे इस आईसी को चेंज करना होगा। तो मैं फ़िलहाल फ्रेंड देखिए, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है, कुछ इस तरीके से भी आवाज़ आ रही है आईसी के कारण। तो ये जो आईसी है ख़राब हो चुका है और इस आईसी को चेंज करेंगे फ्रेंड, डिस्टॉल्डर की वायर की मदद से यहाँ पे इसको आईसी को रिमूव करेंगे और आईसी को निकालेंगे और यहाँ पे एक न्यू आईसी को इंस्टॉल करेंगे। ये जो नंबर है फ्रेंड 4558 नंबर का आईसी है, ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगी फिल्टर आईसी 4558 के नंबर से, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी फ्रेंड। तो चलिए इस आईसी को रिमूव करेंगे फ्रेंड और आपका जो होम थिएटर का प्रॉब्लम जो है फ्रेंड 100% सही हो जाएगा। तो चलिए इस आईसी को निकाल लिया और इस आईसी की जगह में दूसरा आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए, ये जो हमारा 4558 का आईसी है इसको हटा के यहाँ पे दूसरा आईसी को लगाना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा आईसी को इसमें लगाते हैं। हमारे पास पुराना ही था तो मैं पुराना ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, नया मेरे पास स्टॉक जो है ख़त्म हो चुका था फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे पुराना ही इसमें लगा लेते हैं और सेम नंबर होना चाहिए तो ही आपका जो है काम करेगा। सबके नंबर के अनुसार कनेक्शन भी बहुत ही क्रिटिकल होती है, जो नंबर है वही नंबर आपका यहाँ पे काम करेगा, तो सेम नंबर ही यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमने लगा लिया और यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे और उसके बाद आपको मैं आपको चेक करके दिखाएंगे कैसे जो हमारा काम करने लगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम का वीडियो हम हमेशा बनाते रहता, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बना पा रहा था। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमारा जो है वॉल्यूम से भी काम करने लगा है, यहाँ से हमारा जो फ्रेंड काम नहीं कर रहा था और देखिए अभी यहाँ से काम कर रही है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो है एक्यूरेट काम करने लगा है और फ्रेंड अब इस सारे कनेक्शन को यहाँ पे जैसा था वैसे ही करेंगे और यहाँ पे एक नया ब्लूटूथ किट को इंस्टॉल करेंगे। सिंपल सा ब्लूटूथ किट खरीद के लाना है, सेम बोर्ड और सेम बोर्ड में क्लिप के सिस्टम की मदद से यहाँ पे ये करनी है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारा जो है ख़राब हो चुका है तो इसको निकाल के नया लगाएंगे और सिंपल सा कनेक्शन वाले किट लेकर आना, जो कि सेम आपको ब्लूटूथ किट जो है मैं फ्रेंड मार्केट में मिल जाएगा इजीली, और उसको लेकर आएंगे और यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट वाला भी कनेक्शन आप देख लीजिएगा, ब्लूटूथ किट में उल्टा नहीं है। और एक बार आप ज़रूर से ज़रूर वोल्टेज चेक कर लें कितना आ रही है,
नहीं तो हो सकता है कि आपका जो ब्लूटूथ किट है ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को गौर करें, माइनस प्लस को गौर करें, ये सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड। नहीं तो ब्लूटूथ किट ख़राब हो जाएगी, जो कि बहुत ही कॉस्टली 150 रुपये के अंदर में आती है, तो बहुत ही कॉस्टली है हमारे हिसाब से। तो ब्लूटूथ किट ख़राब हो जाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं और क्लिप बाय क्लिप यहाँ पे लगाते हैं, सारा हमने चेक कर लें, आप भी अपना चेक कर लीजिएगा। और देखिए ब्लूटूथ किट ऑन हो चुका है, और सारा क्लिप सेम सेम लगा दीजिएगा, आपका जो काम करना एक्यूरेट हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके आगे वीडियो को दिखाते हैं। सब क्लिप सेम सेम आप लगा लीजिएगा, इसमें कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है। और चलिए इसको इंस्टॉल करके और आपको पूरी होम थिएटर को चेक करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे एंटीना का कनेक्शन हमने नहीं जोड़ा था, एंटीना का कनेक्शन जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मुझे एंटीना कनेक्शन दिया हुआ, कहीं भी लिखा हुआ होगा एंटीना का कनेक्शन, वहाँ से FM एंटीना का कनेक्शन जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका और ये लीजिए हमारा टेस्ट। चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बात कर सकते हैं वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड।